जा रही है। अब अगर आपको यहां पर कहा जाए कि आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। सो नाउ वी कैन इजिली टेल कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, द सीरीज दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो आपको सीरीज मिलेगी उसी सीरीज को आप क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। नाउ अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का देखो सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझना। अभी जैसे वैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था, यस लिसन इट अगेन, एज आई सेड दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, सो हियर वी कैन टेक सम एग्जांपल। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस सोडियम सल्फेट। सो वन क्वेश्चन इज हियर, आपको केवल अपना रेज हैंड करना है, यू हैव टू रेज योर हैंड हु नो द आंसर। मैं यहां पूछ रहा हूं आपसे विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ दीज टू रिएक्शन विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कैन एनीबडी टेल मी, रेज योर हैंड ओनली, रेज योर हैंड इफ एनीबडी नो द आंसर, रेज योर हैंड विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके नो रेज हैंड, लेट्स सी, चलिए देखते हैं इसके अंदर विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली अभी हमने कहा कि जो एलिमेंट्स ऊपर है, एलिमेंट्स विच आर अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव, आर मोर रिएक्टिव। ओके वन पर्सन हैज रेज द हैंड, लेट मी सी, निखिल, इट वॉज निखिल आई थिंक, यस निखिल आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन, नो, यस निखिल, सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ओके वेरी गुड, एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, एज आई सेड दैट द एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं, तो देखिए मुझे मैग्नीशियम और सोडियम को कंपेयर करना है, तो हियर यू कैन चेक द रिएक्टिविटी, एंड हियर सोडियम इज अबव एंड मैग्नीशियम इज बिलो, दैट मीन्स सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। सो इन फर्स्ट केस यू कैन सी सोडियम कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सो इट विल फॉर्म Na2SO4 एंड मैग्नीशियम विल बी डिस्प्लेस, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो। इन सेकेंड केस कैन मैग्नीशियम डिस्प्लेस सोडियम, नो इट इज नॉट पॉसिबल, सो नो रिएक्शन, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड कि विच विल डिस्प्लेस सोडियम, विच विल डिस्प्लेस कैल्सियम, विच रिएक्शन इज पॉसिबल, विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, देखिए यहां आप देखिए हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर, अब जस्ट अबव द हाइड्रोजन वी हैव सो मेनी मेटल्स एंड ऑल दीज मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये सभी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। सो अगर हम एसिड में इन मेटल्स को मिक्स करते हैं, सपोज आई हैव सोडियम और सोडियम को मैं HCl के अंदर डिजोल्व करता हूं, सपोज आई हैव कैल्सियम एंड कैल्सियम को मैं H2SO4 में डिजोल्व करता हूं, ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं कॉपर को अगेन H2SO4 में डिजोल्व करता हूं, तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो एज वी नो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हियर वी कैन सी दिस कि हाइड्रोजन काफी नीचे आएगा इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, दैट मीन सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl,
बेटा ऑडियो ऑफ कर देना, किसका ऑडियो ऑन हो गया है? यस, देखिए तो यहां पर NaCl एंड H2 विल बी प्रोड्यूस, तो ये रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से. ओके, दिस विल बी द रिएक्शन. नेक्स्ट, कैल्सियम एंड H2SO4. इस केस में आप देख सकते हैं कि कैल्सियम इज मोर रिएक्टिव एंड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म कैल्सियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. बट दिस रिएक्शन इज इट पॉसिबल और नॉट, तो हमें देखना है ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. यस yes. तो एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? यस, हु इज गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज नॉट पॉसिबल. कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? ओके, बिकॉज द रिएक्टिविटी, वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, इसलिए यहां पर रिएक्शन नहीं होगी. सो आई थिंक अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क, यस हाँ बेट वन, ओके ओके अक्षांश विजय, ओके बता देते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट अगेन, लिसन केयरफुली, है ना? यस हाँ बोलिए. ओके लिसन इट अगेन. देखो हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज की, तो हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को जब आप डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं, जैसे ऊपर तो आपको लिखना है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, नीचे की तरफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन दीज मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दस फॉर्म्ड सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, इस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. ठीक है, इसमें ध्यान रखना है ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव है. अब मैंने यहां पर कहा आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो यहां पर आप देखिए सोडियम को आपने मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन कराया, तो अब इस रिएक्शन को कराने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी पड़ेगी. हमारे पास एक सोडियम मेटल है, एक मैग्नीशियम मेटल है, और हमें यहां देखना है सोडियम और मैग्नीशियम की प्लेस क्या है. तो हियर वी कैन सी सोडियम इज अबव द मैग्नीशियम, दैट मीन सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव. तो जैसा मैंने कहा मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, तो जो मोर रिएक्टिव सोडियम है वो लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, और जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपको मैग्नीशियम की जगह सोडियम को लिख देना है. तो मैंने यहां सोडियम लिख दिया है, ठीक है, और मैग्नीशियम को मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस लिख करके मैंने Mg को साइड में लिख दिया. तो इसका मतलब यहां ये रिएक्शन पॉसिबल है. सेकेंड केस में हमने उल्टा कर दिया, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को हम सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं. सोडियम सल्फेट इज एक्वस फॉर्म, ध्यान रखना इट इज इन एक्वस फॉर्म, एंड वी नो दैट मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि मैग्नीशियम नीचे है और सोडियम ऊपर है, तो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी. सिमिलरली यहां हमने जो तीन एग्जांपल देखे हैं, इन दिस केस हमने यहां हाइड्रोजन से कंपेयर किया है, क्योंकि आप देखो जो एसिड्स होते हैं ना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनमें हाइड्रोजन होता है, इट देयर इज अ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट. तो यहां पर क्या होगा, सोडियम को जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपको चेक करना है सोडियम हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है. तो यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम जो है जस्ट इस तरह से डाउनवर्ड आ रहा हूं मैं, सो सोडियम इज अबव हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो जब आप सोडियम को HCl में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन ध्यान रखें H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इट विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ H2. सिमिलरली कैल्सियम को चेक करें आप, कैल्सियम यहां पर है, हाइड्रोजन यहां है, दैट मीन्स कैल्सियम इज अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर है, दैट मीन्स कैल्सियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट सॉल्यूशन. ठीक है, आप देखो यहाँ कैल्सियम को मैंने H2 की जगह लगा दिया है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि कैल्सियम इज मोर रिएक्टिव. सिमिलरली कॉपर को देखिए आप, कॉपर और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो आप देखो कॉपर कहाँ है, यहां पर है, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहां है. तो अब आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो अगर आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर नीचे की तरफ है,
ठीक है. तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि एलिमेंट्स विच आर अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स और एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को तो डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो इसी से हम पहचान पाते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं. वन मोर थिंग बेटा, इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बना करके इसको अपलोड कर रखा है. इसके रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड एक वीडियो है, तो वो मैंने वेदांता जो पेज है उसमें भी मैं उसमें उसका लिंक शेयर कर दूंगा. तो उस साइंस वाला जो आपका ग्रुप बना हुआ है वेदांता स्टडीज में, वहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. वो रिविजन क्वेश्चन की फॉर्म में है. कुछ स्टूडेंट्स ने तो देख लिया, बट सम ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट सीन इट. तो वहां आपको आइडिया लग जाएगा इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना. आज मैं उसका लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा, तो वेदांता स्टडीज में उस पेज पर जाकर के आपको मिल जाएगा. चलिए अब आगे चलते हैं. इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. अब देखिए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. देखिए रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड. फर्स्ट इज रिडक्शन एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, ओके. सो अगर हम रिडक्शन से आर ई डी लेते हैं और ऑक्सीडेशन से ओ एक्स लेते हैं, तो हमारे पास एक नया वर्ड बन गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स. ठीक है, तो अब इसे एक डेफिनेशन हम इजिली ड्राइव कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं. तो हम कह सकते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ओके, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. अब यहां समझने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन. पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में. ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल. ऑक्सीडेशन में ऑक्सी वर्ड आ रहा है, तो यहां ध्यान रखना सिंपल सी डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर बैलेंस करते हैं तो ये आ गया. तो अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हैपनिंग विद मैग्नीशियम, तो आप कहेंगे देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी. सेकेंड डेफिनेशन है, सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इटसेल्फ, तो हम यह कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां पर, सच एज H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस S. ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना बेटा. H2S देखिए, H2S को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, और अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और ये क्या है आपके पास, सल्फर. अगर मैं देखू यहां से H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, तो आपको इसमें क्या चीज मिसिंग दिख रही है, यहां आपको मिसिंग दिख रहा है हाइड्रोजन. कि जब H2S सल्फर में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन मिसिंग, मतलब हाइड्रोजन मिसिंग हो गया. तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है इसमें H2S में,
और ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन एक बार क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा मैं इसका अपोजिट लेता हूं, सेकेंड इज रिडक्शन, रिडक्शन। अब रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, रिडक्शन क्या है। अब रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट जो होता है उसे आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे अभी हमने क्या बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ZNO, इसे देखिए, पहले क्या कह रहा हूं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट किया है मैंने और कुछ नहीं किया। देखिए इसमें मैंने ऑक्सीडेशन में कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एंड हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके जस्ट ए मिनट, ओके ओके अनम्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम, वो रिकॉर्ड हो गया बेटा, किसने अनम्यूट किया, किसी स्टूडेंट ने शायद बाई मिस्टेक कर दिया, लेकिन वो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया किसने किया, मैं बाद में कॉल कर लूंगा उसके, ठीक है, चले आगे। ओके अब देखिए इसके अंदर हम आगे बात कर रहे हैं, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन कह रहे हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए हम, फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। सो इन दिस केस यू कैन सी, इस केस में आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं तो ZN एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब जरा इसको कंपेयर करें, यहां पर ZNO में क्या हो रहा है, देखिए ZNO इज चेंजिंग इनटू ZN, मतलब जिंक ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू जिंक, दैट मीन यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं कि ये रिडक्शन है। ओके लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लें, जैसे अभी हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीडेशन कहा था, तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको हम रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज Cl2 रिएक्ट विद H2S गिव 2HCl एंड सल्फर, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो Cl2 है ये HCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Cl2 जब HCl में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन Cl में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहां पर कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि यहां हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो अब एक बार मैं वापस से ब्रीफली थोड़ा बता देता हूं, आपको ध्यान से सुनना, आप दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर बोथ द थिंग्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो फर्स्ट जो हमने बताया, जैसे एक तरफ मैं ऑक्सीडेशन ले लेता हूं, एक तरफ रिडक्शन ले लेता हूं। ओके देखिए सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ऑन वन साइड यू हैव ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शन। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखिए अभी मैंने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पहली डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, अगर एड हो रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है, और अगर माइनस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। वन स्टूडेंट हैज रेज द हैंड, जस्ट अ मिनट, ओके चलिए, ये रेज हैंड इसमें शो नहीं हो रहा है, ओके निखिल खांडेकर, यस निखिल, हाँ बिल्कुल होते हैं वो, एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी इसको डिफाइन करते हैं, अभी इसके बाद बता देता हूं मैं ना,
इसको इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में भी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन. ओके तो ये हो गया. अब हाइड्रोजन की बात करें तो अभी हमने इसमें कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब माइनस एच टू. अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन. इसका अपोजिट कर ले आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इतना सा याद रखना है आपको, इससे आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है. ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगा. ओके तो अब यहां एक बार इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में और देख लेते हैं कि इसकी सिंपल डेफिनेशन हो रहे. ओके लेट्स सी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में देखते हैं हम तो बिल्कुल सिंपल है. देखिए मैं दोनों तरफ ये ले लेता हूं, इस तरफ एक तरफ ऑक्सीडेशन ले रहा हूं मैं और एक तरफ रिडक्शन ले रहा हूं. ओके इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो यू कैन सी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, बट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. ठीक है, इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अगर कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस रिलीज इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इट इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है दैट मीन्स इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव एनए सोडियम, इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इट विल बी पॉजिटिव. इस चीज को समझना बेटा, कोई भी एलिमेंट जो है जब न्यूट्रल होता है दैट मीन्स इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेम है, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल. बट अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सपोज इट इज रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना जो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं ना बेटा, राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट होता है, वो सारी चीजें रिलीज होती है. तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ध्यान रखते हैं सोडियम पर प्लस वन चार्ज आ गया है, दैट मीन्स वन नेगेटिव कम हो गया है उसमें. ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो एलिमेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो आप यूं समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब वो इंक्रीज होता है तो उसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. अब इसका अपोजिट देखें, जैसे मैंने कहा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सपोज वी हैव Fe3+. ओके इसके ऊपर 3+ चार्ज है, दैट मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए ऑलरेडी. अब अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू Fe न्यूट्रल. तो यहां इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए हम कहेंगे इसका क्या हो गया रिडक्शन, Fe3+ इज अंडरगोइंग रिडक्शन. और इसका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो कम हो रहा है, देखो 3+ है और यहां पर 0 चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. तो ध्यान रखिए पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ठीक है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, दैट मीन्स वो रिडक्शन हो रहा है उसका. ओके आई थिंक ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो गया, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? ओके ओके यस. तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा. अभी एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? यस वन बाय वन, नो डाउट. ओके वेरी गुड. तो अब एक स्टेप और आगे चलते हैं हम. अब इसके बाद देखो हमने ये देखा था ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? वन रेज हैंड. हाँ पूछो बेटा, कौन पूछ रहे हैं? आस्क योर क्वेश्चन. वन स्टूडेंट हैज रेज द हैंड ऑन योर ऑडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन. आप स्क्रीन पर क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं आ रही है? बेटा यस स्क्रीन क्या विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन?
एक्चुअली बेटा इसमें ना एक ऑप्शन होता है, अगर बाय चांस जैसे आपके पास बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन अगर आपको दिख रहे हो, तो इसमें जब आप उसको टैप करके रखते हैं तो एक पिन का ऑप्शन आता है, पिन, तो उस पिन को क्लिक करने पर आपको वही स्क्रीन दिखेगा जिस स्क्रीन को आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इफ एनीबडी हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो टैप योर स्क्रीन, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड पिन, उस पिन पे क्लिक करेंगे तो जिस स्क्रीन के ऊपर पिन पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और वही आपको स्क्रीन दिखेगा और वही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, वही स्क्रीन दिखाई देगा। हाँ बोलो बेटा, यस हाँ वो बेटा मैं वो नाम आ रहा है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ कौन मूवमेंट कर रहा है, वो मैं अभी उसके पेरेंट्स को कॉल करूंगा, ठीक है ना, दिख रहा है मुझे। ओके यस, अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, अपन बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की बात करते हैं। तो इस केस में देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं, सपोज वी हैव H2S, एक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, दैट विल बी मच बेटर, CuONH2, CuO प्लस H2 गिव CuNH2O। ओके अब इसको ध्यान से समझते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं यहां पर CuO इज चेंजिंग इनटू Cu, CuO इज चेंजिंग इनटू Cu, तो यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा मुझे बताएं, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन इज गोइंग ऑन हियर, यहां पर ओके ओके रिडक्शन इज गोइंग ऑन, रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है ना, इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ओके ओके अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, अब इस जिसका रिडक्शन हो रहा होता है बेटा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां हमें पता है रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO इज अंडरगोइंग रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां अगर मैं हाइड्रोजन को देखता हूं तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीका तो ये है इसको आइडेंटिफाई करने का, ओके इसका एक मेथड तो यह है बेटा यहां पर, कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां पर कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबस्टेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड सबस्टेंस विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा तरीका यह भी, हम यू भी कह सकते हैं कि वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको यू समझना, देखो CuO अगर CU में कन्वर्ट होता है तो यहां पर इसको अपना ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन रिलीज करने पर हम बोलेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करना रिडक्शन है। लेकिन इस ऑक्सीजन को जो गेन करेगा सबस्टेंस, जो इस ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो गेन करने वाला सबस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो H2 जो है उस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, H2 इस ऑक्सीजन को गेन करके H2 बना रहा है, दैट मीन ऑक्सीजन, ये H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये मैंने बता दिया, इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख सकते हैं। आपकी क्लास साइज मेरे ख्याल में 11:05 तक है, एक बार बेटा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी इसमें, ठीक है, और फिर अपन, नहीं तो फिर बाद में मिसिंग हो जाएगी। लेट मी हैव द अटेंडेंस हियर, जस्ट अ मोमेंट। ओके यस, अटेंडेंस इज डन। तो अब मैंने कहा, ये चीज दोबारा सुनना, कि
कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन को गेन करेगा दैट मीन CuO का ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, CuO जो है ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो उसका रिडक्शन हुआ, लेकिन रिडक्शन में हेल्प किसने की, H2 ने की, तो H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी जो रिडक्शन में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो एक सिंपल सा तरीका है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो मैं और बना करके आपके इसमें अपलोड कर दूंगा, जब भी आपको टाइम मिले उसको जरूर देख लेना आप लोग, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा, रेज हैंड, ओके, पूछे बेटा क्या पूछ रहे हैं, यस आप क्या चीज बेटा, रिपीट योर क्वेश्चन, रस्टिंग, हाँ एक्चुअली रस्टिंग एंड कोरोजन वो एक टॉपिक हो रहेगा, एक्चुअली रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन ही है, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, उसमें Fe जो है वो Fe2O3 यानी आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उसको देखेंगे, ठीक है, कल की क्लास में हम वो रस्टिंग और कोरोजन भी देखेंगे और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसका रिविजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।